ये जी आयरा साहिबा फर्स्ट टाइम जो है ना ये कलरिंग सीख रही हैं, तो अभी ध्यान इसके इधर उधर लग जाता है। लेफ्ट से नहीं पकड़ते बेटा, राइट से पकड़ो, राइट से पकड़ो। हाँ गुड गर्ल, शाबाश। अब पकड़ो, अब करो, अब करो। पकड़ते यूँ है ना, यूँ पकड़ते हैं बेटा, यूँ मुट्ठी में नहीं पकड़ते, यूँ पकड़ो। नहीं किसा पकड़ा वैसे समझ नहीं आ रही इसको। ये कलर्स बाहर क्यों जा रहे हैं, इसके अंदर आने चाहिए ना। नहीं जी, अभी हमने पूरी कॉपी को कलर करना है, सबको कलर करना है। ये देखो लेफ्ट में पकड़ी है, आप राइट में पकड़ो बेटा, राइट में, राइट हैंड में पकड़ना है। अरे राइट में पकड़ते हैं ना, यूँ पकड़ते हैं, यूँ पकड़ते हैं, देखो यूँ पकड़ते हैं, यूँ यूँ पकड़ो। गुड गर्ल। नहीं जी लेफ्ट से ही पकड़ना है ये, इसको पता नहीं क्या हो गया, लेफ्ट से ही पकड़ी है। ये देख, आओ आओ आयरा, शाबाश, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा कह रही है आयरा कलर्स। ये देखें जी, ये रेडिश को जो है कलर क्या कर रहे हैं, ग्रीन। ये देखो करो दोबारा से, इधर इधर यूं पकड़ के करते हैं ना, समझ, इश को, इश को राइट हैंड पकड़ो। हाँ यूं करके राइट हैंड से अब करते हैं, यूं करके कलर्स करते हैं, यूं पकड़ के ना। ये वेजिटेबल है ये? ये वाला है, यूं पकड़ के, ठीक है, नीचे से, नीचे से पकड़ना है। अब करो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जिस तरह ये शायद लेफ्ट की है, क्योंकि ये बार बार लेफ्ट से पकड़ रही है, राइट से इसको हो ही नहीं रहा। आयरा जी, ये मुझे नहीं पता था इसको इतना अच्छा लगेगा कि ये अभी सब कुछ टीवी वगैरह पे छोड़ के, मैंने टीवी अभी बिल्कुल पॉज कर दी वीडियो, तो ये देखेंगे। आयरा साहिबा जाना, बड़े मज़े से कलर्स वगैरह शौक से करना चाह रही है। चलो करो, करो, शाबाश, करो शाबाश। देखो मामा भी करते हैं आपके साथ, मैं थोड़ा सा करूँगी ना तो ये खुद भी स्टार्ट हो जाएगी कलर्स करना। अभी मुझे सिर्फ ये कि इसको पेंसिल पकड़ना आए, ये पकड़ से ही नहीं रही है ना, और पकड़ भी लेफ्ट से रही है। वो देखें लेफ्ट लेफ्ट हैंड से इसने पकड़ा हुआ, मैं कोशिश कर रही हूँ राइट से पकड़े, राइट से हो ही नहीं रहा। ये देखो आयरा यूँ पकड़ता है, हाँ अब ये वही पकड़ेगी जो मैंने पकड़नी है। ले लेंगी जो मैं करना चाहती हूँ ना, अब ये समझ नहीं ना कि मेरे से कलर्स नहीं सीख रहे, तो जो मैं पकड़ती हूँ दीदी तो ये मेरे से फौरन ले लेती है। मैं सोच रही हूँ कि उसको अगर इंटरेस्ट है तो चलो इसके लिए कलर्स, मुझे ये कलरिंग बुक ऐसे पूरी करवा के फिनिश, उसके बाद इसके लिए और लाऊंगी चीज़ें, इसको एटलीस्ट यूँ ही चीज़ें घर में बैठे बैठे सीख जाएगी, और ये कि इसको समझ भी आ जाएगी पेंसिल किस तरह पकड़नी है और ये चीज़ें ना। अभी तो बहुत शौक से लगी हुई है। अच्छा लाओ, मुझे दे रही है कि तुम करो इसको, तुम भी करो साथ साथ, तो मैं इसके साथ कुछ ना कुछ करें। अच्छा मुझे दोनों कलर्स पकड़ा रही है कि दोनों पकड़ा दो। अच्छा आप एक पकड़ लो ना, आप भी करो ना आयरा, एक एक से आप करो। मुझे कह रही है कि रेड वाला पकड़ो, करो। मैडम खुद जायजा ले रही हैं कलर्स का, कलर्स की शामत आई हुई है मुझे लगता है। अब कलर्स की शामत आई है, पहले लैपटॉप की आई थी, फिर लैपटॉप बैक की, और अब लगता है कलर्स की शामत आई हुई है। ये मैंने जब आए थे तो मैंने इसके लिए जो है ना ये अंदर रख दिए थे ड्रॉर के अंदर,
लेकिन आज मैंने कहा चलो इसको अब किसी तरीके से इंगेज करती हूँ, और ये कि थोड़ा सीखेगी भी, इंजॉय भी करेगी, मज़ा भी इसको आएगा। दोनों हाथों से जी हम कलर्स कर रहे हैं, एक हाथ में नहीं, दो दो हाथों से। एक हाथ से कौन करता है, हम तो दो से करते हैं। थोड़े थोड़े बाद मुझे ग्रीन कलर जाना पकड़ा देती है कि तुम ये पकड़ो मैं रेड पकड़ती हूँ। बहुत मजे का बच्चा है, वो शरारती है। बच्चों के साथ ये है कि थोड़ा सा बैठ जाए खुद तो फिर ये इंगेज होते हैं। कहीं मैंने यही नोट किया कि अगर खाना भी ये खा रही है ना, और अगर हम लोग उठ गए हैं खाना इसके लिए थोड़ा सा रख के, मैं किचन में चली हूँ बर्तन उठाने या कुछ, तो ये कि बिल्कुल खाना ये छोड़ देती है, बेशक इसको भूख भी लगी हुई हो। तो ये कि फिर मैं अक्सर हस्बैंड को ये कहती हूँ कि जब ये खाना खा रही, जब तक ये फिनिश नहीं करती उस तक आपने भी नहीं उठना, क्योंकि टेबल पर बैठे रहें तो वो फिर भी बैठी ना खाती रहती है शौक से, तो जैसे ही उठ जाएँ तो फिर ये खाना छोड़ देती है। मुझे याद पड़ता है कि बचपन में शायद मेरा भी यही होता था कि जब सब बैठे होते थे तो मैं आराम से खाना ना शौक से खा लेती थी, खाया जाता था मुझसे, लेकिन जब उठ जाते थे सब तो बस फिर मेरे से मुश्किल हो जाता था खाना खाना। तो ये बच्चे होता है कि साथ बैठा हो कोई तो साथ बैठ के कोई खा रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो ये खाते हैं शौक से और काम कर लेते हैं। अब यही काम में हमें पढ़ाई में भी शायद यही चीज़ हो कि एक दूसरे के साथ बैठ के ये ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं हम। तो ये कि अभी तो मेरी कोशिश है कि चलो साथ साथ बैठे इसकी कलर्स करती रहूँ, ताकि ये शौक से कुछ चीज़ें नोटिस भी करे और ये करे भी, इसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। तो अभी तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं इसके साथ फर्स्ट टाइम कोई ऐसा बुक लेके बैठी हूँ, क्योंकि इससे पहले इसके कायदे आए थे पाकिस्तान से, तो वो इसने मैडम ने फाड़ दिए, और मेरे से बस ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने इसको अकेले में पढ़ने के लिए दे दिए, तो इसने थोड़ी देर इन्जॉय किया उसके बाद फाड़ दिए। तो ये क्या, मेरी ये पूरी कोशिश है कि अब जो है ना मैं इसको चीज़ें अगर बिठाती हूँ अपने साथ, तो अपने सब बिठाने के बाद जो है ये बुक्स उठा के फोल्ड करके ज़रा इसकी एक्सेस से ज़रा दूर रख दूँ, क्योंकि ये तो मैडम फिर पता है ना बच्चे किस तरह के होते हैं, फाड़ देते होते हैं चीज़ें। तो ये कि बस अभी तो फिलहाल खैर मैंने इसको देख रही हूँ, आयरा साहिबा कलर्स भी दो दिखा रही हैं, जो कलर मैं पकड़ती हूँ वही कलर इसको भी चाहिए होता है। तो ये लेकिन चलें कोई नहीं, बच्ची ये करेगी। अब रेडिश के अंदर ऑरेंज कलर हम लाएंगे, ये देखें आयरा साहिबा ऑरेंज कलर पकड़ के बैठ गई है। आयरा करो कलर, कलर करो ना, मामा भी कह रही है आपके साथ, वो सिर्फ कलर्स के साथ खेल रही है, सारे निकाल निकाल के देख रही है। येलो कलर भी ले, ये रेडिश के अंदर जो है येलो कलर भी होता है जी, ये नया कलर है हमने देखा नहीं है, ये कहाँ की रेडिश आयरा। मुझे एम ऐसे कलर करके दूँ ना ताकि उसको अच्छा लगे, ताकि ये खुद भी करे, आज नहीं तो कल करेगी। आयरा इधर देखो, ये देखो, ये करो मामा के साथ। आयरा ये देखो, आयरा टीवी को देखिए, हालांकि बस मैंने ये इसका जो है स्टॉप किया हुआ। आयरा इधर आ जाओ कलर करने, आओ। हाँ जी कलर करो, अभी कलरिंग टाइम है ना। हाँ आ जाओ, ओके ओके आ जाओ, करवाओ मामा के साथ। ओके 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 बराबर, इसके हाथ आ गए मैडम के। ओके आ रही, कलर तो करो ना, बस इसका इतना ही है, इसका कोई मूड नहीं है कलरिंग करने का मुझे लग रहा है। अब इससे भी अपनी पेंसिल्स और ये रबड़ वगैरह को जो है ना एक्सप्लोर करने में लगी हुई है मैडम जी। आप कलर्स पकड़ो ना आयरा, इसको छोड़ दो, ये नहीं अभी, ये शॉप नहीं करनी मैंने पेंसिल, और ये है कि आप इसको साइड पे कर दो, अभी आप देखो कलरिंग करो। ये लगता है पेंसिल 2 दिन की मेहमान है जिस तरह, ये इसको हाथ लगाने लगता थोड़ेगी। आयरा इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ,